इसका तार निकाल लेते हैं, इसका तार और इसका भी तार निकाल लेते हैं, दोनों का तार निकाल लेते हैं और इसका भी तार निकाल लेते हैं, एसएसडी का तार निकाल लेते हैं, दोनों का तार निकाल के हमने तार निकाल दिया, सबको डिस्कनेक्ट कर दिया है यहाँ। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारे पास एक सीपीयू बनने के लिए आया हुआ है, इसको जब ऑन कर रहे हैं तो बार बार ये सीपीयू मतलब कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जा रहा है। कस्टमर ने कहा कि सर जल्दी हमने इसके अंदर एसएसडी लगवा दिया था और विंडोज 10 लोड करा दिया था, तो मैं भी इसको चेक कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रखा हूँ मॉनिटर से और इसको जब ऑन कर रहा हूँ तो विंडो 10 का कहीं नाम नहीं आ रहा है, ये विंडो 7 आ रहा है। देखिए इधर आई दिखाई आपको, विंडो 7 लेकर आ रहा है। कस्टमर ने कहा कि पैसा खर्चा किए थे और विंडो 10 लोड करा रखे थे। आप समझते हैं इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अगर आप भी कंप्यूटर लैपटॉप से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, हमारे चैनल पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी हम कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है ना, कंप्यूटर में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये कंप्यूटर को सबसे पहले बंद कर देते हैं। देखिए कंप्यूटर को हम यहाँ पे ऐसे हम इसका तार निकाल के इसको मैंने बंद कर दिया। अब देखते हैं कस्टमर कह रहे थे कि इसके अंदर उन्होंने नया एसएसडी लगवा दिया है और उसी के अंदर विंडो 10 लोड कराया नया एसएसडी के अंदर। तो देखता हूँ मैं, हाँ देखिए खोले ये, हाँ इसमें दो एसएसडी मुझे दिख रहा है, एक दिख रहा नीचे दिख रहा है हरे रंग का, ये देखिए ये एसएसडी दिख रहा है, 60 एसएसडी है और एक एसएसडी ये दिख रहा है, ये ठीक है दो एसएसडी है। और वो कह रहे थे कि डब्ल्यूजी का जो एसएसडी है ना वो नया लगा रखा है ये वाला, तो इसको चेक करते हैं, ये है और इसको उन्होंने प्राइमरी बना रखा था और इस वाले को सेकेंडरी बना रखा था। पहले ये वाला जो उनका एसएसडी है इसके अंदर विंडोज 7 चलता था और थोड़ा स्लो चल रहा था, कस्टमर ने कहा कि इसको चेंज करके जो है थोड़ा और लगा दिए और इसको भी कनेक्ट कर दीजिएगा, इसके माध्यम से जो है ये थोड़ा सा हमारा स्पीड मतलब कि स्पेस बढ़ जाएगा। तो देखिए ये तार कनेक्टेड है, अब चेक करते हैं बन बन करके। पहले क्या करते हैं, इसका तार निकाल लेते हैं, इसका तार और इसका भी तार निकाल लेते हैं, दोनों का तार निकाल लेते हैं और इसका भी तार निकाल लेते हैं, एसएसडी का तार निकाल लेते हैं, दोनों का तार निकाल के हमने तार निकाल दिया, सबको डिस्कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से भी तार को निकाल लेते हैं दोनों तरफ से और निकाल देते हैं। अब जो ये वाला पहले वाला एसएसडी है जिसके अंदर विंडो 10 लोडेड है, इसको विंडो 7 लोडेड है, इसको हम कनेक्ट नहीं करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं डब्ल्यूडी का एसएसडी, इसमें कस्टमर ने कहा था कि ये जल्दी लगवा रखा है। तो ये देखिए तार है 60 एसएसडी और देख के इसको जो है दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। बहुत बस प्रॉब्लम क्या होता है कि तार को निकाल के दोबारा लगा दिया है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है दोस्तों। तो देखिए ये तार हम इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए और साटा केबल भी है, अभी सिंगल लगना है, किसी भी साटा पोर्ट में इसको हम लगा देते हैं, ऐसे मान लीजिए किसी भी इसको साटा पोर्ट में यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, लगा दिया और ये पावर दिया हुआ है, पावर इसको हम यहाँ कनेक्ट करते हैं और इसको हम जो है ऑन करते हैं। अब देखिए ये हमने प्रेस किया, अब इसको ऑन कर दिया, ऑन कर रहे हैं, देखिए अब क्या होता है, ये पंखा चल गया है, मदरबोर्ड का नाम लिख के आ गया है। ओ भाई अब इसके अंदर विंडो 10 वाला लोगो जो है ना देखिए आ गया, ये मतलब कि विंडो 10 का जो लोगो था ये चलने लगा है। तो इसका मतलब ये मुझे महसूस हो रहा है कि जो तार लगा हुआ था ना, ये जो सात तार लगा हुआ था, ये वाला केबल ये सारा ढीला था, ये ढीला था या कस्टमर ने जो जिसका लगाया होगा प्राइमरी सेकेंडरी का मैटर रहा होगा। तो बहुत बार जब ना ऐसा प्रॉब्लम आता है, आपका कंप्यूटर विंडो नहीं चलता है, तो इस साटा केबल को एक बार डिस्कनेक्ट कर दीजिए, दोबारा लगा दीजिए तो चल जाएगा। अब ये कस्टमर ने कहा कि हमको ये वाला चाहिए और ये वाला एसएसडी चाहिए, अब क्या करता हूँ इधर दिखाता हूँ मैं। देखिए इस मदरबोर्ड के अंदर तीन साटा पोर्ट दिया हुआ है और दो साटा लगाना मुझको है, तो पहले इसको हम शट डाउन कर लेते हैं और दोनों को देखिए अभी दिखाता हूँ मैं। अब मैं खोलता हूँ, पीसी खोला मैंने, इसके दिखा रहा है एक दो से ड्राइव है, सी ड्राइव डी ड्राइव। अब इस एसएसडी कनेक्ट करेंगे इसमें चार ड्राइव हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको हम शट डाउन कर लेते हैं, पहले इसको हम शट डाउन करते हैं कंप्यूटर को, इसको बंद कर देते हैं। अब बंद करने वाले में इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, इसको भी कनेक्ट करते हैं, इसको भी कनेक्ट करते हैं। इसमें देखिए अब जब भी कनेक्ट करिए, जैसे मान लीजिए कि विंडो इस वाले में लोडेड है, तो हमेशा ये प्रयास करिए कि साटा वन के अंदर आपका ये जिसमें विंडो लोड ओवरहेड है, तो इसको हम कनेक्ट बंद कर देते हैं और इसको तार को साटा वन वाले जगह पर इसको हम लगा देते हैं। देख के इसको लगा दिया और ये भी लगा देते हैं, ये साटा थ्री या साटा टू पे लगा दीजिए, इसको मैं ऐसे कहीं पे इसको भी लगा देता हूँ और इसका जो तार है सब कनेक्ट कर देते हैं। अगर ये प्रॉब्लम दुकानदार के पास लेके जाए ना, तो दुकानदार कम से कम 500-1000 रुपये आपसे ले सकता है, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम है तार टाइट करके अपने कंप्यूटर को सही कर सकते हैं। अब देखिए इसको करता हूँ मैं, अब यहाँ से मैंने चालू किया और इसको पावर करते हैं। अब देखिए दोनों जो इसमें एसएसडी लगा हुआ है, दोनों एसएसडी जो है शायद अब चल जाए और अब ये कंप्यूटर विंडो
10 वाले SSD से बूट हो रहा है ये। देखिए जो विंडो 10 SSD लगा हुआ है, ये वाला SSD से ये हमारा जो है कंप्यूटर बूट हो रहा है। सेकंड पूछ रहा है, सेकंड स्कीपिंग कर रहा है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से लास्ट टाइम मुझे लगता है इस वाले SSD पे बंद नहीं हुआ होगा, इसलिए पूछ रहा होगा। तो विंडो 10 है ये। देखिए दोस्तों, वेट कर लेते हैं वन बाई वन स्टेप करके। फिक्सिंग स्टेज वन कुछ प्रॉब्लम है लगता है, तो दूसरा SSD लगा हुआ इनका ना, इस वाले SSD में कुछ प्रॉब्लम है। तभी कस्टमर ने क्या किया हुआ, नया SSD लगा रखा है, मुझे बता रखा है कस्टमर, बता दूंगा कि सर आपका पुराना SSD प्रॉब्लम है, उसको चेंज करना पड़ेगा, जो भी वो करेंगे। लेकिन इसमें विंडो चलाना था, क्योंकि कस्टमर ने कहा कि सर अभी जल्दी ही मैंने इस कंप्यूटर के अंदर नया SSD लगा WD का 256 GB का, उसके अंदर विंडो 10 में लोड करवा दिया था, तो विंडो 10 चल नहीं रहा था। तो क्या हुआ, तार जो उनका लूज था, तार ढीला था, इसके वजह से SSD को पा नहीं रहा था। तार को मैं निकाल के दोबारा लगा दिया, और उसके बाद देखिए विंडो 10 वाला ये लोगो आ चुका है। आप चेक करते कुछ देर के अंदर कि दोनों SSD को रीड किया कि नहीं किया। पहले दो ड्राइव था ना, आप क्लिक करते हैं इस PC के ऊपर, अब देखिए 1, 2, 3, 4, मतलब 4 ड्राइव, 1, 2, 3, 4, मतलब ये दोनों काम करना स्टार्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कंप्यूटर प्रॉब्लम आता है तो हार्ड डिस्क का या SSD को तार को निकालिए और दोबारा लगा दीजिए, हो सके तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो दोस्तों। देखिए मेरा प्रयास रहता है ना, छोटी छोटी चीज़ों आपको अवगत कराता रहूं, और आप भी मेरा वीडियो देखते रहते हैं, आप भी बहुत कुछ सीखते रहते हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो और आपका कंप्यूटर बन गया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं, हो सके वीडियो के माध्यम से उनकी कुछ हेल्प हो सके। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।